गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों आज हम देखने के लिए जा रहे हैं जो अभी तक हमने सीखा वो। अभी तक हमने क्या क्या सीखा था, क्योंकि देखो कल से हमारे क्या स्टार्ट हो रहे हैं, टेस्ट। तो टेस्ट में आपको कॉपी दी जाएगी, तो आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। आप हमने सबसे पहले क्या सीखा था, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। और स्लांटिंग लाइन हमने दोनों तरफ से सीखी थी, इधर से भी और इधर से भी। और फिर हमने क्या सीखा था, हाफ सर्कल, दोनों साइड से हाफ सर्कल। और फिर एक सीखा था हमने फुल सर्कल। ठीक है, आपको ये लिखना है, आपको ये अपनी टेस्ट कॉपी में लिखना है। बहुत सुंदर, आप खुद लिखोगे बच्चों, अपने मम्मी पापा से नहीं लिखवाओगे, क्योंकि आपको आता है, आप लोगों ने सीखा है, तो आप खुद लिखोगे क्या क्या, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल, फुल सर्कल। अगर आपको डॉट दे रहे हैं मैम, तो आपको डॉट के आधार पर ये लिखना है, ये स्लिपिंग लाइन, ये स्लांटिंग लाइन, ये इधर से आप स्लांटिंग लाइन लिखो करोगे, तो यहाँ पर हाफ सर्कल, यहाँ पर हाफ सर्कल। आया समझ में? इस प्रकार आपको अपने टेस्ट कॉपी में लिखना है। फिर और रही दूसरी बात, और आपको यही नहीं बच्चों, ये और दूसरा भी आएगा, तो वो दूसरा क्या आएगा वो आपको देखना है। आपको ए से लेके हमने कहाँ तक लिखा है, आर तक हम लिखना सीख गए, पर हम कुछ ही अल्फाबेट लिखना सीख कल, मतलब हमारे टेस्ट में हम लिखेंगे, तो आपको वो लिखते आना चाहिए। तो हमने ए कैसे लिखना सीखा था, स्लांटिंग लाइन, इधर से स्लांटिंग लाइन, ये स्लिपिंग लाइन, ए स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, क्या बन गया बी, फिर हाफ सर्कल, सी स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, डी फिर स्टैंडिंग लाइन, छोटी छोटी थ्री स्लिपिंग लाइन। आया समझ में? इस प्रकार आप लिख सकते हैं लाइन से ही। बच्चों अपन लाइन सीखे हैं, तो हम लाइनिंग से ही हम सीख सकते हैं। फिर हमको दूसरा क्या आएगा, चित्र देख करके उनके अल्फाबेट लिखना है। अब जैसे आपको कैट का चित्र दिया जाएगा, ये क्या है, ये हो गई आपकी कैट। अब आपने देखा कैट, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, सी, सी फॉर कैट। अब आपने देखा है ये ए फॉर एप्पल, ये क्या है एप्पल, तो आप क्या आगे क्या लिखोगे, ए। इस प्रकार आपको अपने टेस्ट कॉपी में लिखना है। आया समझ में? और फिर एक और बात है, एक सिंपल सा एक हमारा क्वेश्चन भी रहेगा, या फिर मैच करने का अगर आ गया आपको, तो आपको मैच करते भी आना चाहिए। तो वो मैच कैसे करेंगे, हम सेम अक्षर से, हम सेम अक्षर का मैच करेंगे, जैसे कि ए बी सी, फिर हमने लिखा यहाँ सी ए डी बी। अब आप देखो ए यहां पर कहां लिखा हुआ दिख रहा है, ये सेम सेम अक्षर को क्या करना है, मैच करना है, बी सी डी। आया समझ में? इस प्रकार आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। ठीक,